सो ये है माइनक्राफ्ट की वर्स्ट एसएमपी और इसके अंदर आपको माइनक्राफ्ट के एक से एक बेकार प्लेयर मिलने वाले हैं और इस एसएमपी के रूल्स भी इसके नाम की तरह बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। और गाइस इसके अंदर प्ले करते वक्त मुझे एक ऐसी ग्रेवियर्ड मिलती है जिसे देखकर कि आप भी डर जाने वाले हो। तो गाइस आखिर तो ऐसा क्या ही होता है उस वाली ग्रेवियर्ड में, ये तो हमको वीडियो में पता लगेगा। और गाइस वीडियो के एंड में मैं एक ऐसे प्लेयर से मिलता हूँ जिसे देखकर मैं खुद शॉक हो जाता हूँ और मुझे सर्वर भी लीव करना पड़ जाता है। ओके तो गाइस अभी मैं सर्वर के अंदर तो आ चुका हूँ एंड वेट, ये क्या लिखा हुआ है, टर्न अराउंड। ओके टर्न अराउंड एंड अबे यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, हेलो प्रेस टू वेक अप। गाइस क्या मतलब कि अभी मैं सो रहा हूँ, व्हाट द हेक भाई, क्या सर्वर एंड यहाँ पर एक कमांड ब्लॉक भी लगा हुआ है। ओके प्रेस किया मैंने एंड ये किधर आ गया हमें भाई, कि क्या डरावना सीन हो रखा है पूरा। इधर ये इधर कैंडल्स लगी हुई है और क्या प्लेयर्स की आत्माएं लगी हुई है भाई, क्या ये पता नहीं गाइस। जो भी अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ता हुआ, अबे क्या आईपी दे दिया भाई मेरे दोस्त ने, ये कितना बेकार। अबे इधर मकड़ी के जाले भी लगे हुए है। वेट इधर लिखा हुआ है क्लिक मी टू प्ले सम चिल म्यूजिक। ऑलराइट गाइस थोड़े से गाने बजाते भाई हम लोग, प्रेस करूंगा मैं इसको भाई, गाने वाने कुछ नहीं बज रहे भाई, शायद इधर कोई म्यूजिक डिस्क होगी, अभी वो यहाँ पर नहीं है, शायद से कोई चोरी करके ले गया। एंड इधर एक चेस्ट है इसको खुलते हैं। ओके इसके अंदर टू डू लिस्ट है, ओके इसको रीड करके देखता हूँ एक बारी। भाई पूरे टोटल 6 पेजेस की बुक है ये, फॉर पीपल हु नीड अ रियल चैलेंज। अरे मेरे को कोई चैलेंज वगैरह नहीं चाहिए भाई, क्या है इतने सारे चैलेंजेस है। और यहाँ पर लिखा हुआ है टू सरफेस, ओके शायद से मैं यहाँ पर जो है जाऊंगा एंड मैं बाहर आ जाऊंगा। ऑलराइट यहाँ पर एक दरवाजा है। ओके गाइस अभी फाइनली मैं वेट मैं सर्वर के अंदर तो आ चुका हूँ, पर भाई ये क्या है इतना ज्यादा बेकार सर्वर। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, मैंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा घटिया सर्वर नहीं देखा है। मुझे ऐसा लगता है इस वाले सर्वर के अंदर काफी दिनों से कोई भी प्ले नहीं करता है, तभी इस सर्वर की ऐसी हालत हो गई है। और साथ के साथ यहाँ पर ग्रास वगैरह भी सारे में उगाई है, क्योंकि जमीन पर ऐसे ग्रास कहाँ से आ जाएगी। और गाइस आप लोग इन वाली बिल्डिंग्स को देखो भाई, इन बिल्डिंग्स के अंदर से भी पेड़ निकल आए हैं एंड इन बिल्डिंग्स के ऊपर भी यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर की ग्रास सी आ चुकी है। चलो गाइस एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ एंड वेट अपनी माइनिंग वगैरह मैं कहाँ से करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की जगह इधर फेंस लगी हुई है। अबे व्हाट द हेक भाई, कितना ज्यादा घटिया सर्वर है, क्या ही गलत आईपी दे दिया। मैं तो अभी लीव कर दूंगा सर्वर को। एट दिस पॉइंट मैं सर्वर को लीव ही करने वाला होता हूँ, तभी मेरी नजर सर्वर के प्लेयर लिस्ट पर जाती है। पर वेट इधर सर्वर के अंदर कोई तो प्ले कर रहा है, कोई नहीं गाइस, काफी सारे लोग प्ले कर रहे हैं। एक काम करता हूँ गाइस, मैं इतनी ज्यादा गंदी जगह पर तो नहीं रह सकता हूँ, यहाँ से कहीं थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ। अबे वेट मेरे को कहीं से तो साउंड, ये वेट कौन मार रहा है मुझे, वीसी। ओके हेलो, अभी के अभी सर्वर लीव करते हैं। ए हेलो, मैं क्यों सर्वर को लीव करूंगा, देख हम तो तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि भाई इस सर्वर से लीव कर दे अभी का अभी। वेट वेट वेट, भला तुम लोग मेरे भले के लिए क्यों बोलोगे। और सबसे पहली बात, इस सर्वर के अंदर मेरा अब तक कोई भी दुश्मन नहीं है, तो भाई मैं तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होके खेलने वाला हूँ सर्वर के अंदर। हमें तो है ना। ए वेट तुम लोग, ब्रो वेट भाई, क्या भाई मैं सर्वर के अंदर बिल्कुल नया प्लेयर हूँ, मेरे पास ना कोई आर्मर है ना ही कुछ है। अबे गाइस कितने बुरे लोग हैं भाई ये लोग, भाई क्यों पीछे पड़ गए ये लोग मेरे। गाइस अभी आपने भी देखा ना, मैंने इनको तो कुछ भी नहीं बोला है, फिर भी ये लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं यहाँ पर। भाई इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आजा भाई। बे यार शिट 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 शिट, एक काम करता हूँ इन गलियों के अंदर जाता हूँ मैं। स्नेकी मुझे पुश कर, स्नेकी मुझे पुश कर। मैं किधर जाऊँ गाइस, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भाई तुझे बोला था ना सर्वर लीव कर दे। अरे मैं लीव नहीं करने वाला ना सर्वर, मेरे को अच्छा लगता है नए सर्वर्स के अंदर खेलना। अरे मैं कर रहा हूँ मैं लीव कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज रुक जाओ तुम लोग, मैं लीव कर रहा हूँ बस। बे तुमको क्या लगा कि मैं सच में लीव कर दूंगा क्या? लेट्स गो गाइस, अभी मैं वहां से कूद कर आ गया हूँ। वो कहाँ गया भाई, गायब हो गया। A few moments later. गाइस अभी मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग जा चुके। पकड़ो भाई। वेट, अबे तुम लोग वापस से कैसे आ गए भाई यहाँ पर? अबे क्या चक्कर है यार, निकलो। एक और गाइस, अभी तीन तीन प्लेयर मेरे पीछे पड़ चुके हैं। एक सेकंड विक्रम आ गया। इतनी बार बोला मैंने तुम्हें बिना आर्मर वाले बंदे को परेशान नहीं करना। वेट भाई भागो, ये क्या हो रहा है, ये प्लेयर मुझे सेव करने आया यहाँ पर। को एक सेकंड बात करता हूँ उससे। हेलो हेलो सर, जितना जल्दी हो सके इस सर्वर से निकल जाओ। एक सेकंड, अभी तुमने मुझे उन प्लेयर से बचाया और अभी तुम भी यही सेम चीज कह रहे हो कि मैं सर्वर से निकल जाऊँ। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अरे गाइस क्या चक्कर है, सब लोग मुझे सर्वर से क्यों निकालना चाहते हैं? अच्छा पहले ये सब छोड़ो, मैं बाद में चला जाऊंगा, पर मुझे एक चीज बताओ, सर्वर की इतनी ज्यादा गंदी हालत किसने करी है? लिटरल बता रहा हूँ, मैंने इससे ज्यादा बेकार सर्वर अपनी लाइफ में नहीं देखा है, बहुत ज्यादा गंदा सर्वर है ये। ये बहुत पुरानी बात है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अगर मैं वो बता दूंगा तो मुसीबत आ जाएगी। अच्छा
अच्छा ठीक है, पर एक चीज बताओ कि तुमने लाइक अभी मेरी हेल्प क्यों करी है? वो तो सिर्फ एक रूल है, हम कि बिना किसी आर्मर वाले बंदे को नहीं मारते। ओके गॉट इट गाइस, इस सर्वर के अंदर अगर किसी के पास आर्मर नहीं होता है तो उसको ये लोग किल नहीं करते, वैसे काफी अच्छा रूल है। चलो ठीक है, देखो मैं सच बताऊ ना, मैं सर्वर को लीव नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे कोई ऐसा ऑप्शन बता सकते हो जिससे मुझे सर्वर लीव ना करना पड़े और मैं सर्वर में खेल सकूं इसके अंदर, क्योंकि मैंने सुना इसके अंदर एक दो मेरे फ्रेंड्स भी प्ले करते हैं। एक रास्ता है जिससे तुम इस सर्वर में रह सकते हो, कल एक पीवीपी इवेंट होगा, अगर तुम उस इवेंट को हार जाते हो तो तुम इस सर्वर में रह सकते हो, अगर वो जीत जाते हो तो तुमने अभी बोला कि अगर मैं हार जाता हूँ तो सर्वर के अंदर रह सकता हूँ और अगर जीता तो तब क्या होगा? अगर जीत गए तो बैन हो जाओगे। अबे व्हाट द हेक गाइस, सर्वर के अंदर अगर हम लोग जीतेंगे तो गाइस बैन हो जाएंगे और अगर हम लोग पीवीपी में हारेंगे तो गाइस हमको सर्वर के अंदर रुकने के लिए मिलेगा। गाइस कुछ ज्यादा ही अजीब सर्वर है ये तो। देखो मुझे है ना पीवीपी करनी है और शायद से मैं उसके अंदर हार ही जाऊंगा। वैसे गाइस मजाक कर रहा हूँ, मैं सर्वर के अंदर थोड़ी सी एक्टिंग करने वाला हूँ एकदम नूब की तरह पीवीपी करने की। मेरे पास कुछ सामान है, इसको तुम रखो, ले लो। ओके तो फिर मैं एक काम करूंगा, कल जरूर से टेस्ट देने आऊंगा एंड होपफुली गाइस मैं उसके अंदर हार दूं। वेट गाइस, स्टफ तो इसने अच्छा खासा दे दिया है मुझे, इसको पहन लेता हूं अभी मैं आर्मर को। प्लेयर से बच के रहना, वो तुम्हें मार सकते हैं। अरे ठीक है श्योर बच के रहूंगा मैं उनसे। तो फाइनली मुझे सर्वर के अंदर प्लेयर्स तो दिखना शुरू हो जाते हैं एंड मुझे एक और चीज पता लगती है, ये एसएमपी वर्स्ट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा वियर्ड है क्योंकि इसके अंदर प्ले करने के बिल्कुल ही डिफरेंट रूल्स हैं जो कि किसी भी एसएमपी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके तो गाइस अभी मुझे सर्वर के अंदर धीरे धीरे सब कुछ समझ आता जा रहा है और हाँ गाइस अभी मुझे पता भी लग चुका है कि सर्वर के अंदर अगर मुझे खेलना है तो गाइस मुझे पीवीपी के अंदर हारना होगा। ये तो गाइस बहुत ही वियर्ड रूल है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी सर्वर के अंदर ऐसा। और अभी मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा स्टफ भी दे दिया है, इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है और गाइस यहाँ पर एक डायमंड है। भाई एक डायमंड से क्या ही होगा, बस एक शवल बनती है एक डायमंड से। तो एक सेकंड गाइस, ये प्लेयर्स यहाँ पर है। अबे रुको भाई, मेरे को भगा रहे थे ना, अभी इनको भगाऊंगा भाई मैं, रुक जाओ इनको बताता हूँ। गाइस मेरे को मार रहे थे ना ये लोग स्टार्टिंग में। ऑलराइट इधर आ भाई, और भाई इनके पास टोटेम भी है। अबे शिट 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 शिट, पर गाइस कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे सामने लोग नहीं टिकने वाले हैं। ऑल दो इसके पास डायमंड आर्मर है बट मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अबे किधर भाग रहे हो, अभी आओ ना तुम लोग, किधर भाग रहे हो? वैसे अभी इनके वीसी पर तो नहीं जाऊंगा, इनको यहीं पर ही मारता हूं मैं, रुक जा। ऑलराइट अरे अरे भाग रहा अभी भाग रहा है ये कुरपुरदा, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है गाइस इसका, कुरपुरदा अकेले ही काफी है। अबे भाई तुम्हारा ये प्लेयर भाग रहा है अभी, तुम्हारे जो भी ये फ्रेंड है ना ये अकेले काफी नहीं, भाग रहा है खुद ही। ये लो टोटम गया अभी इसका, अभी ये भी जाने वाला है गाइस, अभी आप लोग देखना। ईपल, अरे ईपल मेरे पास भी है, कितना दूर जाएगा? अबे क्या गोल गोल घूमी खेल रहा है, घूमर चल रहा है ना इधर। ओके लेट्स गो, मर गया। एंड अभी ये इधर आ, ज्यादा बोल रहा था, तेरा फ्रेंड काफी है ना, फ्रेंड काफी है। बस गाइस थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, इसके पास डायमंड आर्मर और डायमंड के एंचेंटेड टूल्स है, बट गाइस मेरे सामने वो भी बड़ी बात नहीं है, इसको मैं अभी बताता हूँ। बदला लिया जाएगा इससे, अरे ले लेना भाई तुम बदला। वेट भाई अभी स्नेकी फाई किधर चला गया ये बंदा? एक सेकंड गाइस, अभी मेरे पास यहाँ पर एक डायमंड की सौड़ आ चुकी है उस वाले प्लेयर को मार के। अरे एक चीज भूल गया गाइस, मैं उसका आर्मर भी ले सकता था, लेकिन पहले काम करता हूँ उस प्लेयर को ढूंढता हूँ मैं। अभी गाइस अपने इजिली इसी वाले आर्मर में मार दूंगा इसको। ओके टोटम गया अभी इसका, अभी एक और टोटम। वेट पता नहीं गाइस कितने टोटम लेके बैठा अपने पास ये। ऑलराइट एक और टोटम गया इसका, होपफुली गाइस अभी इसके पास एक्स्ट्रा टोटम्स ना हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके मर गया अभी फाइनली ये, लेट्स गो गाइस। मुझे लगा था कि इस एसएमपी में केवल नॉर्मल लड़ाइयां होती हैं और बस कुछ वियर्ड रूल्स हैं, बट इस एसएमपी के टॉप सीक्रेट्स के बारे में जानना अभी बचा था। बदला तो मैं लूंगा, अरे गाइस जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी गाइस आपको याद ही होगा कल अभी गाइस मेरा जो एक पीवीपी टूर्नामेंट होने वाला है, और गाइस अगर मैं उसके अंदर विन करूंगा तो गाइस मैं सर्वर से बैन हो जाऊंगा। तो गाइस मुझे अभी पीवीपी के अंदर जानबूझ के हारना होगा। जब मैं एसएमपी के अंदर ऐसे ही घूम रहा था तब मैं कुछ और वियर्ड चीजों को नोटिस करता हूं जिनसे मुझे लगता है वियर्ड होने के साथ साथ इस एसएमपी में कुछ ना कुछ हॉरर चीजें भी हैं और आगे जाके कुछ ऐसा ही होता है। एक सेकंड गाइस, इधर गाइस बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है और जो कि पानी के अंदर पूरी सबमर्ज हो चुकी है। और हाँ गाइस मैंने एक और चीज अभी देखी थी इधर आगे, आपको अभी शो करता हूँ मैं उसको। यहाँ पर गाइस आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पर जो एक ब्रिज पूरा की पूरा डूबा पड़ा है। अभी पता नहीं ब्रिज पूरा कैसे डूब चुका है, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे सर्वर में कोई फ्लड वगैरह आ चुकी थी जिसकी वजह से पूरी सिटी बेकार हो चुकी है ये। चलो एनीवेज गाइस अभी मैं रात होने का वेट करता हूँ एंड गाइस आपसे फिर मैं नेक्स्ट डे होते मिलता हूँ। हेलो विक्रम हेलो 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 हेलो, तुमने बोला था ना मुझे इस जगह पर आना है, आ गया भाई अभी मैं। हाँ चलो मेरे साथ साथ आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वैसे तुम कितने टाइम से प्ले कर रहे हो सर्वर के अंदर? बहुत सालों से, मतलब बहुत साल। हाँ। बोले तो कितने साल? हजारों वर्ष। हजारों वर्ष, व्हाट द हेक।
अरे किधर जाना है बोलो भाई, कितना चलाओगे अभी? इधर। अच्छा इधर आना है क्या? रास्ता है ओके, इसका रास्ता यहाँ से है। अरे छी कितना गंदा हो रखा है भाई यहाँ पर। अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसा कोई कमेंट मत करना। अरे सॉरी सॉरी, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा गाइस। एक तो इतनी ज्यादा बेकार वाली एसएमपी के अंदर मुझे प्ले करना पड़ रहा है। अरे वेट, ये बैठा हुआ भाई यश यहाँ पर, लेट्स गो, आज मजा आएगा। अरे हाँ आएगा भाई, मजा आएगा। इधर गाइस देखो, इसी ने मुझे सर्वर के अंदर बुलाया था आईपी देकर। एंड वेट, ये गेमर नो भी सर्वर के अंदर? अरे एचसीएल तुम यहाँ आ गए? अरे मैं क्या आ गया भाई, तुम बताओ भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? एचसीएल भाई हारना है आज। अरे वही ना भाई, हर बार नहीं तो मैं जीतता आता हूँ हर एक सर्वर के अंदर। आज पहली बार ऐसा हो रहा है गाइस, मुझे किसी सर्वर के अंदर जानबूझ के हारना होगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर। और लेकिन मेरी पीवीपी किसके साथ होगी ये तो बताओ मुझे। पक्का हार जाओगे? ए क्या मतलब हार जाओगे, मैं भाई जानबूझ के हारने वाला हूँ, जरूरी नहीं कि हार जाऊंगा मैं। तुम्हारी इससे फाइट होने वाली है, देखो वो रहा। ओके ये है मिस्टर ब्रदर ओपी। एक सेकेंड, ये इसने भले स्किन तो सेनपाई वाली लगा ली है, बट इसने आर्मर क्यों नहीं लिया हुआ कोई भी? गाइस अजीब ही बंदा है। 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके गाइस अब स्टार्ट हो चुका है हमारा पीवीपी कंपटीशन। इसको गाइस अपनी फिस्ट से मार के देखता हूँ, पहले डर्ट को फेंकूंगा और अपने हाथों से मारूंगा मैं इसको। ओके अबे मेरे को हारना है भाई, मार दे प्लीज भाई, मेरे को मार देना। हेलो मार दे। ओके वेट ब्रो व्हाट, बट गाइस जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि मैं वन हिट में कैसे किल हो गया। गाइस क्या चक्कर है ये? SCL मुझे दुख हो रहा है तुम्हें बताते हुए कि तुम जीत चुके हो। एक सेकंड, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है भाई? अगर मैं विन किया हूँ तो मतलब हारने के बाद विन किया हूँ ना, तो मतलब खुशी होनी चाहिए कि मैं सर्वर के अंदर प्ले कर पाऊंगा। अब यही तो प्रॉब्लम है मेरे खेलने से, भला तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। पीवीपी के अंदर हारने के बाद मेरा सर्वर के अंदर प्ले करना तो अलाउड हो गया था, बट सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसी सब के बाद से शुरू होती है जब रात में मुझे कुछ वियर्ड चीजें दिखती हैं। एक तो गाइस इतना घटिया सर्वर, ऊपर से इन लोगों ने मुझे क्या बार बार बोल रहे कि बाद में पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा बाद में? आखिर तो गाइस बाद में ऐसा क्या होने वाला है सर्वर के अंदर? ओके तो गाइस अभी यहाँ पर रात वापस हो चुकी है, बाकी गाइस रात में मुझे रुकने के लिए अपने लिए घर ढूंढना होगा। तो जल्दी से एक काम करता हूँ, अपने लिए बढ़िया वाला घर ढूंढ लेता हूँ। एक सेकंड, व्हाट ये सर्वर के अंदर मैंने क्या देखा अभी? व्हाट द है गाइस, ये क्या हो रखा है? अबे भाई इतने सारे प्लेयर्स। एक चीज देखो गाइस, यहाँ पर ब्लड भी है बहुत सारा। ये क्या लिखा हुआ है? RIP विनोद, RIP कुनाली। अरे गाइस सबके नाम लिखे हुए हैं, RIP गमरू, रमेश, प्रकाश। ये तो वो जैक वाली स्किन है ना ये, और इसका नाम इधर प्रकाश है। RIP बुड्ढा। गाइस यहाँ पर जो है डेड बॉडीज गायब है इधर से, केवल यहाँ पर हेड्स रखे हुए हैं, और बाकी गाइस यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज भी पड़ी हुई है। गाइस मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से निकल लेता हूँ। एक सेकेंड, निकल तो जाऊंगा मैं, बट आपने एक चीज नोटिस करी है, यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज है उनके पास ये नॉर्मल वाले फ्लावर्स लगे हुए हैं। अबे शिट मैंने इसको तोड़ क्यों दिया, कहीं भूत वगैरह ना आ जाए इधर। और गाइस आप लोग इस वाली डेड बॉडी के पास देखो, और ये प्लेयर भी बहुत ही ज्यादा ड्रावना सा है। एंड यहाँ पर गाइस चारों ओर अजीब से ब्लॉक्स लगे हुए, अजीब तो नहीं वैसे सी लैंटर्न है ये, बट गाइस आप लोग खुद सोचो कि सभी प्लेयर्स के पास तो ऐसे वाले ब्लॉक्स है नहीं, तो गाइस इसी प्लेयर के आसपास ऐसे ब्लॉक्स क्यों लगे हुए हैं? गाइस कुछ तो चक्कर है, मुझे इसके बारे में पूछना पड़ेगा SMP के बाकी के प्लेयर से, क्योंकि गाइस एक ही डेड बॉडी के पास ऐसे सी लैंटर्न का लगना बहुत ही वियर्ड लग रहा है मुझे। चलो जो भी, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से, भाई कहीं इधर मेरे पीछे कोई भूत वगैरह ना पड़ जाए। भलाई मेरी इसी में होगी कि मैं यहाँ से जल्दी से निकल लेता हूँ। वेल तो गाइस जब भी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, या फिर आप कह सकते हो कि मुझे डर भी लग रहा था, तो इसीलिए मैं प्लान बनाता हूँ कि नेक्स्ट डे होते मैं सर्वर के बाकी के प्लेयर से इसके बारे में पूछूंगा। ओके तो गाइस अभी यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, और गाइस मैं अभी तक शॉक में हूँ भाई, मैंने रात में क्या देखा था, इतनी सारी डेड बॉडीज। एक काम करता हूँ मैं, सर्वर के अंदर अभी काफी लोग प्ले कर रहे हैं, तो गाइस क्यों ना मैं सर्वर के मेंबर से जाके पूछूं कि वो क्या चक्कर है उधर ग्रेवयार्ड का। सर्वर के मेंबर्स पता नहीं कहाँ मिलेंगे, एक तो गाइस आप देख ही सकते हो इतना ज्यादा बड़ा सर्वर है, और हाँ सबसे ज्यादा गंदा सर्वर भी है ये। एक सेकंड, मैंने यही कहीं देखा था नेम टैग। अरे ये तो वही बंदे हैं जो मुझे स्टार्टिंग में मिले थे। एक काम करता हूँ, इनके पास जाता हूँ और इनसे पूछता हूँ थोड़ा सा मैं। ए भाई क्या है, अब क्यों आ रहा है तू यहाँ पे? एक्चुअली क्या है ना गाइस, मुझे आप लोगों से एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हम और तेरी हेल्प? हाँ भाई क्यों, कर नहीं सकते हो क्या? चल भाई कर देते हैं इसकी हेल्प। हाँ चलो मैं बताता हूँ मेरी प्रॉब्लम। ए व्हाट द हेक भाई, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ तुम लोगों को। अबे सुनो तो सही यार तुम लोग, मुझे ग्रेवयार्ड के बारे में। है भाई SCL नया नवेला प्लेयर, हमें मारेगा तू? अबे शिट गाइस याद आया, मैंने इनको मार दिया था ना बीच में। अरे शिट अभी ये लोग मेरी हेल्प नहीं करने वाले हैं।
उल्टा मेरे पीछे पड़ चुके हैं ये लोग। गाइस तो खत्म कर देंगे भाई, आजा स्नेकी भाई आज तो। अरे मेरी एक छोटी सी बात तो सुनो तुम लोग, मैंने ग्रेवयार्ड के अंदर बहुत ही वियर्ड चीज को नोटिस किया है भाई। अब उस ग्रेवयार्ड में तो तू ही जाएगा। ये क्या, मैं जाऊंगा भाई? हेलो भाई, इसको भी वहीं तक पहुंचा देना। तुमको दोबारा मरना है ना, रुक जाओ, तुमको दोबारा मार खानी है ना मेरे से, रुक जाओ, ऐसा ही समझो तुम। आजो आजो, दोबारा मार खा रही है ना ये लोग। अबे नहीं 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 भाई भाई भाई, भागना पड़ेगा स्नेकी भाई। अरे किधर गए? हेलो, मुझे लगा था कि एसएमपी के बाकी के प्लेयर्स मेरी हेल्प कर सकते हैं इस चीज में, बट अभी इसका पूरा अपोजिट हुआ एंड यहाँ पर ये दोनों प्लेयर्स मेरे पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि पास्ट में मैंने इनको मारा था। बट इस चीज के बारे में पता लगाने का अभी भी मेरे पास एक और ऑप्शन बचा हुआ था। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। गाइस आपको याद ही होगा सर्वर में हमारी हेल्प करने के लिए एक वो ओल्ड प्लेयर आया था जिसकी वो दादाजी वाली स्किन थी, वही एकदम अजीब सा बंदा। तो एक काम करता हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ, उसने मेरे को अपना डिस्कॉर्ड पर भी कॉन्टेक्ट दिया था। अरे हेलो हेलो विक्रम भाई। हाँ बताओ, क्यों बुलाया मुझे? अरे एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कुछ डेड बॉडीज का मैंने कुछ अजीब और वियर्ड बिहेवियर नोटिस किया है। हाँ हाँ, एक काम करो मेरे पीछे आओ तुम। लेकिन हुआ क्या है? अरे एक्चुअली एक जो डेड बॉडी है ना वहाँ पर, उसके साइड में सी लैंटर्न लगे हुए हैं। फिर क्या दिक्कत है उसमें? अरे दिक्कत ये है ना कि बाकी डेड बॉडीज के साइड में नहीं है, केवल उसी डेड बॉडी के साइड में लगे हुए हैं वो। हाँ ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अरे मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों है, आप जो है खुद ही आके देख लो। देखो क्योंकि आप जो है बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट प्लेयर हो सर्वर के अंदर, तो इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर। चलो चलो देखता हूँ। ओके आजो 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 मेरे पीछे आजो। वैसे तुम उस डेड बॉडीज को देख के इतने वियर्ड क्यों हो रहे हो? अरे मैंने बताया ना, ये देखो वेट, व्हाट द हेक, ये कैसे हुआ? अभी क्या हो गया? अरे एक्चुअली विक्रम मैं क्या बताऊं भाई तुमको, ये सारी डेड बॉडीज इस साइड फेस करके थी, अभी सारी की सारी उल्टी हो चुकी है एक रात के अंदर, और इसको भी देखो ये भी पता नहीं ब्लॉक के अंदर घुस चुका है। अरे वेट, इसने अभी अपना हाथ हिलाया। नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। अरे नहीं ये अभी भी इसने अपना हाथ ऊपर किया। नहीं मैंने तो नहीं देखा। अरे मैं बता रहा हूँ कुछ तो वियर्ड है इस वाली जगह पर, आपको नहीं पता शायद से, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा वियर्ड चीजों को नोटिस किया है। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ वियर्ड है हो रहा है। अरे वियर्ड तो बहुत कुछ हो रहा है। एक चीज देखो, पहले ये इधर लैंटर्न्स क्यों लगी हुई है? बाकी किसी डेड बॉडी के पास नहीं है लैंटर्न, लेकिन यहीं पर ही लगी हुई है। हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरी जगह को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, जरा देखते कि यहाँ पर कोई सीक्रेट वगैरह तो नहीं छुपा हुआ। चलो एक सेकंड, मेरे पास वाटर बकेट है तो यहाँ पर मैं वाटर डालता जाता हूँ जिससे सारी की सारी ग्रास भी टूट जाएगी। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं लेकिन उन्होंने कभी आज तक फील नहीं किया जो आप फील कर रहे हो अभी। ऐसा हो सकता है कि वो आत्मा जो उनकी फ्रेंड हो या जो भी हो, मुझे नहीं पता ऐसा, बट मैंने जो नोटिस किया वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। एक काम करते हैं, ये पूरा की पूरा ग्राउंड हम लोग खोद डालते हैं। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। नहीं अरे डिग करो बस, तुम मेरी हेल्प करो, हेल्प करो बस तुम मेरी। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा स्केलेटन के अलावा। नहीं कुछ तो मिलेगा, मैं देखो तुमको ही मारने लग जाऊंगा, चुपचाप मेरी हेल्प करो, या तो यहाँ से तुम जा सकते हो, नहीं तो मैं तो इधर पूरा डिग करके रहूंगा। तुम मुझे मारो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अरे वही ना यार, हेल्प करो बस मेरी थोड़ी सी। एक सेकंड, एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पर जो लैंटर्न वाली ग्रेव है ना, मैं इसको यहाँ पर डिग करता हूँ। एक सेकंड भाई निकलो, एक काम करो इधर से निकलो तुम, ये रहा रास्ता और यहाँ से बाहर निकलो। नहीं भाई मैं ऐसे नहीं निकल सकता। ए बुड्ढे, वेट ब्रो, व्हाट द हेक, इस वाली ग्रेव के नीचे एक चेस्ट मिली है, बुक एंड क्विल। वेट इसको रीड करते हैं। अबे कहीं तुम इसीलिए तो नहीं मना कर रहे थे मुझे? नहीं 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 नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है कुछ नहीं पता है तो एक काम करता हूँ, बाहर आता हूँ गाइस मैं पहले, और फिर इसको मैं रीड करके देखता हूँ। ये तो वैसे मना कर रहा है कि इसको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, फिर भी गाइस मैं इसको रीड करता हूँ एक बार। इधर लिखा हुआ है, डोंट ट्राई टू फाइंड मी, आई विल डिस्ट्रॉय द सर्वर अदरवाइज। व्हाट द हेक भाई, क्या चक्कर है ये? इधर लिखा हुआ है मुझे ढूंढने का ट्राई मत करना, नहीं तो मैं पूरा सर्वर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैंने तो तुमको पहले ही मना किया था मत करो, लेकिन तुम नहीं मानते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो मुझे है ना तुम्हारे पर ही शक हो रहा है क्योंकि तुम ही बार बार मना कर रहे थे इस चीज का। नहीं नहीं मैं क्यों? अच्छा एक चीज बताओ, तुमको पता है वैसे क्या हो सकता है कि किसकी बुक हो सकती है ये? मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम इस बुक के पीछे मत पड़ो, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। क्या मतलब भारी पड़ेगा? अब तुम्हें पता लगा कर रहूंगा गाइस कि क्या चक्कर क्या है, ये कौन कहना चाहता है कि मुझे फाइंड मत करो। बस तुम मुझे इतना बताओ कि बुक किसकी है? शायद इसका कनेक्शन ऑनर के साथ हो सकता है। गाइज अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इस ग्रेवयार्ड की मिस्ट्री पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मुझे बुक मिली है, ये बुक मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ तक अभी ले जाने वाली थी, और कितने सारे टॉप सीक्रेट्स को ढूंढना तो अभी बाकी था, और इस सब में सबसे ज्यादा शक मुझे इस विक्रम पर ही हो रहा था। गाइज मैं सच बता रहा हूँ, मुझे उस बुड्ढे के ऊपर ही शक हो रहा है, क्योंकि गाइज पहले तो मुझे डिग करने से मना कर रहा था, और गाइज जैसे मुझे ये वाली बुक मिली वो एकदम शॉक हो चुका था, जैसे मानो कि उसका कोई बड़ा सीक्रेट
रिवील हो गया हो। और हाँ गाइज, उसने मेरे को चलो इतना भी बताया कि इस बुक का कनेक्शन ओनर से हो सकता है। अभी सर्वर का ओनर कौन है और कहाँ पर रहता है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। इस बुक की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले तो सर्वर के ओनर के बारे में पता लगाना था जिसके बारे में इस बुक के अंदर लिखा हुआ था। और इस चीज को सक्सेसफुली करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा प्लान था। अभी मैं एक काम करूंगा, मैं इस ओल्ड प्लेयर के पीछे स्पाई करूंगा क्योंकि मुझे इस पर काफी ज्यादा शक हो रहा है। कभी गैस मुझे बोलता है कि मुझे सर्वर में खेलने अलाउड नहीं है और गैस कभी मुझे रोकता है उस बुक के किसी भी राज को ढूंढने से। एक सेकंड, मैंने अभी इसको यहीं आसपास देखा था। अबे किधर चला गया ये? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना इन्वेस का पोशन लगा लेता हूँ। और हाँ, मैंने अभी वाला आर्मर भी हटा लिया है। अबे किधर गया भाई, इधर ही तो था ये। ओके ये रहा। आज तो इसका पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तो करता क्या है अपने पूरा दिन। अबे ये ब्रिज पर क्यों जा रहा है? इसको शक तो नहीं हुआ मेरे पर कई पार्टिकल्स दिख गए उसको मेरे? नहीं, शायद इसके पार्टिकल्स ऑफ है, नहीं तो अब तक मेरे को पकड़ लेता शायद से। अबे क्या पागल है क्या ये? हेलो, क्या मतलब इधर उधर देखता हुआ जा रहा है? इसने पूरी सिटी को पार कर दिया यहाँ पर। गाइस अभी जंगल की तरफ जा रहा है, चलो जाने देता हूँ मैं इसको। भाई कितना टाइम हो गया मुझे चलते चलते। वेट, अभी मेरा इन्वेस भी खत्म हो चुका है। अभी मुझे गाइस बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। भाई किधर जा रहा है ये? पता नहीं, अभी 2 दिन हो चुके हैं मुझे पूरे चलते चलते और ये मेरे को कहाँ पर ले आया है? अभी शिट, मेरे को देखना ले गई है। और वेट, ये क्या बना हुआ है भाई? अभी कितनी डरावनी आंखें हैं इसकी। ओ शिट। इधर गार्ड्स ने मुझे गाइस अभी देख लिया है। वो विक्रम तो अभी अंदर जा चुका है लेकिन इन गार्ड्स ने मुझे लिया है और ऊपर से भी शायद किसी ने अभी एरो शूट करी। मैं काम करता हूँ, अपनी सॉर्ड को अंदर रख के यहाँ पर सरेंडर कर देता हूँ क्योंकि गाइस आपको ही पता है अभी यहाँ पर ये दो गार्ड्स नहीं है। इधर मैंने पीछे भी कुछ गार्ड्स को देखा है। अबे शिट भाई, क्या दिक्कत है? ओके, मेरे को जाने के लिए बोल रहा है ये शारू में। अबे जा रहा हूँ भाई, ये तो एरो भी मारना चालू कर दिया इन लोगों ने। मेरी रिपल करता हूँ मैं फटाफट जल्दी से। गाइस अभी क्या ही बचाऊं मैं इन लोगों से? तभी मैं यहाँ पर कम्प्लीटली शॉक हो चुका हूँ क्योंकि गाइस वो जो ओल्ड प्लेयर था वो एक कासल के अंदर गया मेरे सामने और उस कासल पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। शायद भी ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। यहाँ से निकल लेता हूँ मैं। वो तो अच्छी बात है कि गाइस इन लोगों ने मुझे कुछ बोला नहीं है, भगाया तो है इन लोगों ने मुझे। एक सेकंड, वेट, मैं अभी एक शॉक से निकल कर आया हूँ, अभी यहाँ पर मेरे को दूसरा शॉक लग रहा है। कहीं यहाँ पर भी गार्ड्स ना हो और वो मेरे को मारने ना लग जाए। यहाँ पर ये क्या है? पूरी की पूरी एक छोटी सी सिटी बनी हुई है एंड यहाँ पर फार्मिंग वगैरह सब कुछ हो रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई तो रहता होगा। एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढने का ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर कौन रहता है। और गाइस सच में देखने में भी काफी ज्यादा प्यारी लग रही है ये सिटी। यहाँ पर देखो गाइस एक घर भी बना हुआ है। वेट, गेमर नो ब्रो, व्हाट? अबे ये यहाँ पर रहता है भाई। हेलो, इसको मारता हूँ। ओ यश भी है यहाँ पर। हेलो गाइस, हेलो, वीसी बुलाता हूँ इनको फटाफट। यो एचएल भाई, अबे तुम दोनों यहाँ पर रहते हो क्या भाई? हेलो, क्या यार एचएल भाई पीछे करते हो, जहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, सोने भी नहीं देते। ए हेलो, क्या तुमने मुझे सर्वर का आईपी दिया था और अभी मुझे बोल रहे हो? सो रहा था। हाँ वो दिख रहा था भाई, सो रहे थे। और ये बैठ के क्या कर रहा था इधर कुछ? भाई क्या इधर बाहर देख रहे थे? अच्छा, अपने इन प्यारे प्यारे बीकन्स को देख रहे थे तुम? हाँ भाई। वैसे भाई सही में बीकन्स भी बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, एक बार मैं भी देखता हूँ भाई बाहर जाके। एचएल भाई सोने दो, कल बात करते हैं। हाँ ठीक है गाइस, अभी हम लोग कल ही बात करते हैं। वैसे भी अभी रात बहुत ज्यादा हो चुकी है भाई, बहुत नींद आ रहा है। काफी देर तक उस ओल्ड प्लेयर को फॉलो करने के बाद वो मुझे एक कासल की तरफ ले आता है एंड यहाँ पर आके मैं देखता हूँ कि पास में ही मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहते हैं, तो इसका मतलब भी ये लोग भी मेरी कुछ ना कुछ हेल्प तो कर ही पाएंगे। गुड मॉर्निंग एचसीएल भाई। अरे गुड मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग तो गुड हो चुकी है लेकिन ये बताओ तुम यहाँ पर, ये तुम्हारा बेस है क्या ये? हाँ। अरे एचसीएल भाई फूड लो, गरीब दिख रहे हो। ए गरीब किसको बोला बे? ये लो भाई गोल्डन एप्पल, तुम भी खाओ। और ये यश किधर गया? लो भाई तुम भी खाओ। मतलब गाइस मेरे पास इधर आयरन आर्मर है तो ये लोग मुझे गरीब समझ रहे हैं बहुत ज्यादा। ये लो भाई, ये डायमंड की एग्स भाई, थैंक यू भाई। और एक टोटेम भी। अभी गाइस एक काम करता हूँ, मैं इन लोगों से पूछता हूँ इस ग्रेव के बारे में, शायद गाइस इन लोगों को कुछ ना कुछ तो पता होगा। और वैसे भी गाइस वो वाला कासल इनके बेस के बगल में है बिल्कुल ही। एचसीएल भाई मैं थोड़े देर में आता हूँ, ओके? अरे मुझे कुछ काम था यार तुमसे। अरे 2 मिनट बाद थोड़ा। ठीक है चलो कोई ना, मैं इससे पूछ लूंगा। बताओ एचसीएल भाई क्या काम था? अरे हाँ मुझे तुम दोनों से एक चीज पूछनी थी। मैं एक्चुअली ना तुम्हारे बेस पर तो नहीं आया था, तुम्हारा बेस मुझे गलती से मिल गया। मैं आया था भाई उस वाले कासल पर, तो अब तक जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुए थे वो सारा कुछ मैं इसको बताने लगता हूँ। एंड गाइस इसको भी कुछ भी नहीं पता था, बस इसको इतना पता था कि अगर ये कासल के अंदर जाएगा तो सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भाई क्या मतलब सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाएगा? देखो अमरनो मुझे कुछ नहीं पता, डर लगता है। तुम भाई जिस किसी एसएमपी में जाते हो सब जगह डरते हो, मालूम है ना कौन है तुम्हारे साथ? तो मेरे होते हो
डरने की नीड है क्या तुमको? आप हो इसलिए ज्यादा डर लग रहा है। एक क्या बोला वे? मैं हूँ इसलिए ज्यादा डर लग रहा। हाँ रुक जा अभी बताता हूँ। मैं हूँ ज्यादा डर लग रहा। मालूम नहीं है क्या हमने इतने सारे सर्वर्स को डोमिनेट किया है मिलके? मैंने करा है, आपने नहीं। वाओ गाइस कितना ज्यादा भोला बंदा है ना ये। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, हर बार गाइस यही डोमिनेट करता है। अच्छा अब समझा भाई, हम एक साथ जाते उस बेस पर। यह बात तो सही है, बट मैं जब होके आया ना तो उधर चार चार गार्ड्स लगे हुए थे, इसलिए मैं नहीं गया उधर। सोने के टाइम होने वाला है, जल्दी करो। अरे हाँ यार रात भी होने वाली है अभी। ठीक है हम लोग आज रात ही चलते हैं और पता लगाते हैं। वैसे भी रात में तो गार्ड्स सो जाते होंगे ना, मुझे तो ऐसा लगता है, या फिर वो रात में भी जागते हैं। मैं चार को पेल दिए। अरे कुछ भी मतलब, शायद यश भी आ जाएगा तब तक सर्वर के अंदर, फिर हम लोग चलते हैं। दो भाई दोनों तबाही। अरे हम दोनों तो तबाही हैं, पर वो तीसरा भी साथ चलेगा, जानबूझ के देखना तुम अभी। ऑलराइट गाइस अभी यहाँ पर रात तो हो चुकी है। अरे गेमर नो चलते ना अभी, चलो। अबे ये यश भी आ गया। हाँ भाई मैं आ गया। चलो भाई फिर चलते हम लोग। HCL सामान ले लो, यहाँ आओ। अरे हाँ भाई मेरे को थोड़ा स्टफ दे दो यार, आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज है मेरे लिए? अबे वेट भाई, तुम लोगों ने इधर सीक्रेट बेस बना के रखा हुआ है भाई, बहुत तेज हो यार तुम लोग भाई। नाइस यार, थैंक यू। ओके बाय द वे मेरे को है ना ये ट्रिम वाला आर्मर नहीं चाहिए होता है, मुझे सिंपल वाला आर्मर दो भाई। भाई नहीं है। ए क्या नहीं है, मारूं अभी? मुझे पता है भाई तुम्हारे पास सब कुछ रखा हुआ, झूठ बोल रहे हो, जल्दी निकालो। ओके ले लो, देखो गाइस इसकी ई चेस्ट में रखा हुआ है, फिर भी पागल बना रहे हैं मुझे ये। चलो HCL भाई। यस भाई चलो चलते हैं अभी। भाई गार्ड्स के जो बैंड बजाने वाले है ना अभी हम लोग, मजा आएगा काफी। कौन से गार्ड? अबे तुमको नहीं पता यश, अच्छा तुम चले गए थे ना सर्वर से भाई, अभी हम लोग। बहुत डरपोक हो HCL, मेरे साथ आओ भाई। क्या बोलूं भाई मैं तुमको, रुको यश एक मिनट रुको, बस तुम रुको एक मिनट रुको। हाँ जाओ ना, ये जाओ अभी। क्या हुआ देख लो गाइस, आप लोग खुद ही देख लो। वैसे मुझे डरपोक बोल रहा है और अभी मेरे बिना ही आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। ये क्या हुआ, एकदम से ब्लैक स्काई हो गई अजीब सी। ओके आ जाओ गाइस, आ जाओ जल्दी से। और हाँ किसी को भी वेट नहीं करना है, सीधा इनको मारना चालू करो। बचाओ HCL भाई, आए हम लोग। अबे हाँ तब क्या बोल रहे थे कि अकेले चारों को मारोगे? हाँ अकेले चारों को मारोगे, अभी मारो ना भाई तुम अकेले चारों को। कहाँ भाग रहा है? हेलो रुकना, रुक अभी रुक। ओके मर गया एक और, एंड अभी लास्ट बचा हुआ है। क्या मूवी है भाई, मजा आ रहा है। ए हेलो मूवी नहीं चल रही है यहाँ पर, मैं इधर मार रहा हूँ भाई और तुम इधर मूवी एंजॉय कर रहे हो भाई। ठीक है मरने वाला है बस ये। ओबे शिट 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 हाफ हट, बच गया मैं, बच गया। अरे गेमर नो मतलब पूरा डैमेज मैंने किया और आखिर में किल तुमने चोरी कर लिया भाई। पीरो है हम लोग, पीरो। हाँ ठीक है गाइस तुम लोग कुछ ज्यादा पीरो भाई, दिख रहा है मुझे। ये क्या हो रहा है भाई, भूत आ गया भाई, भागो। अबे भूत कुछ नहीं आया भाई, कुछ तो गड़बड़ है। सुनो एक काम करो, सब लोग जल्दी से अंदर आ जाओ कासल में। गाइस एक काम करो, जल्दी से इस पूरे कासल को एक्सप्लोर करो और ढूंढो भाई कि क्या चल रहा है सब कुछ, और उस विक्रम को भी ढूंढो जल्दी से। HCL भाई मुझे तो डर लग रहा है भाई। अबे यार तुम मत डरो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ओके डरने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, डर के आगे जीत है, तुम लोग याद रखो बस। ये क्या है, यहाँ पर कोई किंग वगैरह बैठता है क्या भाई? डायमंड चुरा लेते, चलो गेमर ना, चलो चुरा ये सस्ते चोर। ये बटन किस चीज की है, इसको प्रेस करके देखूं मैं? हाँ भाई करते भाई। हाँ करता हूँ, प्रेस किया मैंने कुछ। ये व्हाट, ये क्या है भाई, ये क्या हुआ? हेलो ये थ्रोन गायब कैसे हो गया? गाइस सुनो शायद इसके अंदर कोई तो होगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग बाहर रुको और अगर मैं वापस नहीं आता हूँ ना यहाँ से तो तब तुम लोग अंदर आना, ठीक है? एक सेकंड गेमर नो भाई, हेलो किधर गया ये? अबे भाग, अबे यहाँ पर है, अबे ऊपर भाग गया था क्या? हेलो भाई क्या कर रहे हो यार, आ जाओ अंदर आ जाओ। ठीक है भाई, ये क्या है, रेड क्रॉस भाई यार, ये थोड़ा डरावना सीन होता जा रहा है। HCL भाई कौन है ये लोग? अबे यार चुप रहो, स्नीक कर भाई, पागल हो क्या, स्नीक करो, मुझे अपने घर जाना है। वेट ये विक्रम, और ये किससे बात कर रहा है, लट्टू मूतिया? अबे विक्रम कुछ तो बात कर रहा है। गाइस एक काम करता हूँ मैं, इनकी प्रॉक्सिमिटी को ज्वाइन करता हूँ। भाई तुम लोग चुप रहना, बस पकड़वा मत देना मुझे, स्नीक कर लो गाइस प्लीज। ओम ग्रिम ग्रिम स्वाहा, ओम ग्रिम ग्रिम स्वाहा, चीन टपक दम दम कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है यार, तुम लोग चुप रहना भाई, आवाज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सर्वर का विनाश हो जाए स्वाहा, सर्वर उड़ाने का प्लान चल रहा है शायद। अरे हाँ गाइस सच में सर्वर उड़ाने का प्लान चल रहा है इन लोगों का शायद से। गाइस क्या वेट, अबे गाइस तू पकड़े गए हम लोग भाई, मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ भाई। तुम लोग अबे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो भाई? तो तू मेरे पीछे आ ही गया, मैं सच बता रहा हूँ मैं गलती से आ गया हूँ यहाँ पर। ये कोई गलती होती है? अरे नहीं सच में मैं गलती से आया हूँ यहाँ पर, देखो मुझे बस जाने दो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, देखो सच बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं सुना है, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ।
अरे कहाँ पे जा रहे हो, तुमने हमारी सारी बातें सुन ली, अब तुमको मरना ही होगा। अरे मुझे मरना नहीं है गाइस अभी। हेलो, मैं अभी सर्वर के सभी मेंबर्स को बताने जा रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हो और सर्वर को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें मरना होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना गाइस, आ दो जल्दी से चलते हम लोग, सर्वर के सभी मेंबर्स को लेके आते हैं। नहीं नहीं, तुमने हमारी सारी बातें सुन ली, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। अरे शिट शिट, ये लाइटनिंग कितनी ज्यादा हो रही है भाई, यहाँ से निकलो जल्दी से, भागो जल्दी यहाँ से। हैग भाई, क्या था वो, ब्लैक मैजिशियन था भाई, वो बुड्ढा था वो, अरे बुड्ढा था या जो भी था भाई, वो ब्लैक मैजिक कर रहा था वहाँ पर। हाँ शायद से अभी हम लोग सेफ हैं। ऑल राइट गाइस, अभी यहाँ पर तो लाइटिंग नहीं हो रही है, कहाँ गए अच्छिल भाई, अबे कहीं इसको बाबा ने तो नहीं पकड़ लिया गेमर को, कहाँ गया ये, मुझे डर लग रहा। अबे क्या भाई, अभी इसको लेने जाना होगा हमें वापस से। हेलो हेल्प, इधर है भाई, ये बंदा सो रहा है। एक सेकेंड रुको, इसको मैं बताता हूँ भाई, हमको लगा कि वहीं पर रह गया ये और ये अपने घर के अंदर आके सो चुका है ये गेमर नो। हाँ चुपचाप यहाँ पर आके सो गए हो तुम, हाँ तुम चुपचाप यहाँ पर आके सो गए और मुझे बोल रहे हो डर लग रहा है, मजा आया आया डरा के। अबे तुम लोग यार, मजाक का वक्त बिल्कुल भी नहीं है ये दोस्तों, हमारे सर्वर का सवाल है और तुमको मालूम है ना हमारे सर्वर, सीरियस बात होती है सो जाता है। देखो गाइस सच बता रहा हूँ, अभी वक्त आ चुका है इस सर्वर के सभी मेंबर्स को बताने का कि हमारे सर्वर की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, ये विक्रम खुद है। ये विक्रम सारे सीक्रेट्स को जानता है सर्वर के और ये विक्रम की वजह से सब कुछ हो रहा है सर्वर के अंदर। अच्छा भाई चलो सबको बता देते हैं, इसका भांडा फोड़ देते हैं भाई। हाँ सही कह रहे हो भाई, चलो जल्दी से सभी सर्वर के मेंबर्स को बुलाने चलते हैं हम लोग। तो अभी वक्त आ चुका था इस सर्वर में जो भी हो रही वियर्ड चीजों को सभी प्लेयर्स के सामने लाने का, जिससे हम लोग मिलके इस सर्वर से इन सब चीजों को परमानेंटली डिस्ट्रॉय सके और फिर हम लोग चले जाते हैं सभी प्लेयर्स को बुलाने के लिए। अरे गेमर नो और यश, एसएमपी के सभी प्लेयर्स आ चुके हैं ना अभी यहाँ पर, ले आए। हाँ ठीक है ले आए, कूद क्यों रहे हैं सब लोग, पागल हो गए हो क्या भाई। हेलो, अरे अच्छा अच्छा सब लोग रेडी हो उनको मारने के लिए, गॉट इट गाइस, समझ गया मैं। देखो गाइस मैं अभी सभी को बता देता हूँ, सर्वर के अंदर जो भी हालत हुई है ना वो सारी की सारी विक्रम ने अपने किसी बाबा जी से ब्लैक मैजिक करवा के करवाई है। तो गाइस रेडी हो उसको मारने के लिए, लेट्स गो, नहीं छोड़ो। ओके गाइस, अब ये काम करता हूँ मैं। हाँ ये यहीं पर ही मिल गया, अच्छा हुआ तुम यहीं पर ही मिल गए, बाहर देखो जरा सब लोग आए हैं तुमको मारने के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने हमारे सर्वर को पूरा बर्बाद करके रख दिया है, तुमने ही हमारे सर्वर को बहुत ही बेकार सर्वर बनाया है। HCL, तू अभी सच्चाई नहीं जानता है। अरे क्या सच्चाई है, आ जाओ बाहर, आ जाओ तुम्हारा स्वागत होगा ना, आओ बाहर आओ अभी। रुको मैं इनसे दो मिनट बात करता हूँ। अरे कर लो गाइस, अभी बात करने के बाद ये प्लेयर बहुत ज्यादा पिटने वाला, मैं सच बता रहा हूँ, इसने जो सर्वर की हालत करी है ना। एक सेकंड, ये इस बुड्ढे को मार रहे नहीं है? अरे गाइस मारो ना इसको, इसने तो किया हमारे सर्वर की ऐसी हालत। HCL मेरे साथ चलो, आ जाओ अंदर चलते हैं। अबे तुम लोग मुझे साथ कहाँ ले जा रहे हो? HCL अब लगता है वो समय आ चुका है यार, अपना सारा स्टफ ड्रॉप करो एंड हमारे साथ चलो। भाई कैसा समय आ चुका है? तेरा सवाल जवाब मत करो HCL, अपना स्टफ ड्रॉप करो और चलो हमारे साथ। गेमर नो भाई तुम भी बोल रहे हो, ये क्या हो रहा है? ठीक है मैं कर रहा हूँ, अपना आर्मर उतार रहा हूँ, अपना पूरा स्टफ भी ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, जल्दी करो। चलो HCL हमारे साथ चलो, अभी सर्वर बढ़िया हो जाएगा। चलो ठीक है गाइस, देखते हैं अभी क्या होगा। इस बाबा के पास क्यों ला रहे हो तुम लोग मुझे? ये लो लट्टू मुत्ता है, ये रहा, इसके साथ जो करना है करो, अब हम चलते हैं। अबे व्हाट भाई, कहाँ छोड़कर जा रहे हो मुझे? अबे व्हाट द हेक गाइस, अभी क्या होगा मेरा यहाँ पर।